मिनिस्टर नागराज की हत्या के पीछे नक्सलाइट्स का ही हाथ है, जो हमें जांच से पता चला। इस केस को और डीप स्टडी कर रहे हैं, पूरी जानकारी जल्द ही बताएंगे। थैंक यू। केस को क्या डाइवर्ट किया एसपी साहब, आपसे बहुत कुछ सीखना है। लव यू। ए सुनो तुम दोनों, परसों सीआई साहब ने मिनिस्टर को आई लव यू बोला था तो वो ऊपर निकल लिया था। मतलब नेक्स्ट विकेट एसपी का गिरने वाला है। मिनिस्टर के साथ फोटो मिस कर दिया, इसके साथ खींचा लेते हैं। चलो एसपी साहब, आपके साथ एक फोटो हो जाए। मैंने दामू की हेल्प की इसलिए ना, इस मेमोरी को सेव करना है, इसीलिए सीआई साहब एक फोटो लीजिए ना। अभी लेता हूं। थैंक्स, बहुत अच्छी फोटो है सीआई साहब, ये फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आई विल मेक अ मूव। थैंक यू एसपी साहब, न जाने क्या होता अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं होते तो। You're so helpful. Don't be formal. We are all like family. Hey SP, तूने इसे हाथ क्यों लगाया? तो इसमें क्या है? मैंने तो casually हेल्प किया बस। एक और बार हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। Cool, 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 cool. Sorry जानू। Sorry. Hey, don't cry. Cool. बिल्ली लिल्ली सुशीला, वो सिर्फ वर्किंग टाइटल है। ऑरिजिनली हैदराबाद में वो बेली डांस किया करती थी। कॉलेज में पढ़ते समय क्लासमेट ने कहा कि तुम हीरोइन जैसी लगती हो, तो वो मुंबई भाग गई और कुछ बिग शॉट्स को उसने पटा लिया। उन्होंने इसे सपने दिखाकर अपने सपने पूरे कर लिए। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे सी ग्रेड की फिल्म ही मिली। ऐसी स्टार नहीं बन पाई तो वैसी स्टार बन गई। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उसके कुछ वीडियोस ने पूरे भारत के दर्शन भी किए। इसी बीच उसकी मुलाकात दामोदर से हुई। फौरन अपने पति से डिवोर्स ले लिया और झूठी इमोशनल कहानी सुनाकर दामोदर को पटा लिया। लॉजिक छोड़कर ड्रामा देखकर दामू इमोशनल हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे इस रॉकेट का इस्तेमाल किस पर करने वाले हो? एसपी मल्लिकार्जुन। यू कांट। व्हाई? Because he is gay. क्या बकवास कर रहे हो? डिपार्टमेंट में तो सब उन्हें रोमांस किंग कहते हैं, है ना? हाँ सर, डे नाइट लड़कियों को मैसेज भेजते हैं और महीने में एक बार बैंकॉक जरूर जाते हैं। प्रोडक्ट जब वीक होता है तो पब्लिसिटी पीक पर होती है। सिचुएशन में सिंक होने वाली चार बातें बताता हूँ, सुन लो। पानी वाले सांप में जहर नहीं होता, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, और सारे साधु पंडित नहीं होते। I can't believe this. झटके वाली बातें हमेशा कंफ्यूजन ही पैदा करती हैं। फ्लैशबैक चेक करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। आज मेरा बर्थडे है। Oh, happy birthday, happy birthday. Thank you, sir. How old are you? 32 running, sir. Oh, 32. Good body, well maintained, eh? मतलब उस दिन किसी और मतलब से छुआ था, मतलब मुझे परख रहे थे। ये लेली डॉक्टर पिक्चर है और ये एसपी एमडी पिक्चर है, ये मिशन इम्पॉसिबल है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मेरे बताए प्लान को फॉलो करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इससे मैं कुछ भी फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं है सर। दोबारा मेरी बातों का टेढ़ा जवाब दिया तो मैं क्या करूंगा पता है? मेरा वीडियो ले जाकर दामू को दिखा दोगे? एनकाउंटर कर दूंगा। सॉरी गुरुजी, अब जो बोलेंगे करूंगा। ड्राइवर, मंदिर जाने का टाइम हो गया है, जाओ जाकर गाड़ी निकालो। हेलो। हेलो लिली। ए, कौन हो तुम? मेरा नाम सुशीला है। और को उल्लू बनाना, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। शट अप, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कहने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा मैडम। और सच क्या है? तुम्हारा असली नाम बेली लिली है और तुम हैदराबाद के क्लब में डांसर थी, फिर मुंबई में भाग कर आई और सीक्रेट फिल्मों में काम करने लगी। मुंबई के काफी सारे बिजनेसमैन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, आप जो कह रहे हो वो सरासर झूठ है। झूठ और सच का फैसला करने के लिए मैं तुम्हारे घर सीढ़ी भेजूं? मैं दामोदर के साथ घर बसाने वाली हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसा ना करने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पैसे जुटाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। ओके, मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ, हर घंटे टच में रहूंगा। बाय। तो तुम बेली लिली हो क्या? तुम पहले डांस क्या करती थी? फिल्मों में एक्टिंग करती थी? दामू को पता चल गया तो? इसका देखो सब कैसे पता चल गया, इसका भी मुंह बंद करना होगा। यही तो मेरी परेशानी है सूरी जी, आप कोई भी मामला संभाल लेते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आसानी से सेट कर लेते हैं। मेरे छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी, प्लीज सूरी जी, प्लीज। ओके, डोंट क्राई, चुप हो जाओ। देखो मैं हूं ना, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तुम रो रही हो तो मुझे भी रोना आ रहा है। करो मेरी बात सुनो। बात सुनो लिली, रोना है तो उस अर्जुन राव के पास जाकर रो, वैसे भी तुम्हें घूरता रहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देगा। हेलो, मैं हूँ सुशीला। सुशीला बेबी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। टेल मी बेबी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हर घंटे मुझे फोन करके कह रहा है कि अर्जेंटली 2 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मुझे मार डालेगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी एसपीजी। दिस इज अ स्मॉल इशू। अरे मैं हूँ ना, डोंट वरी। लेकिन ये इशू दामू को पता ना चले, ये मैनेज करना मेरा काम है, ट्रस्ट मी। धमकी देने वाला तुम्हें हर घंटे फोन करने वाला है ना, टाइम वेस्ट मत करो। 15 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। डोंट पैनिक प्लीज, आई एम कमिंग। ए सूरी, उस एसपी के क्वेश्चन और लिली के आंसर्स मिक्स करके एक ट्रैक रेडी करके दामों को सुनाना है, तुम ध्यान से लीड करना। बी शार्प। बी शार्प। शट अप। कोर्ट से क्लियरेंस आते ही
प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं सर? चुप करो, धोखा हो रहा है, उसे रोकने की वजह तुम मुझे रोक रहे हो। अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, एसपी साहब सुशीला जी के घर ही तो गए बस, और दोनों दामू के दोस्त हैं, एक क्लोज फ्रेंड और एक गर्ल फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड यहाँ बैठा है तो उसको वहाँ क्या काम? सूरी जी आपकी बैड हैबिट है, पेट में कुछ रहता नहीं, कहीं भी मुंह खोल देते हैं। फिर दामू को सुशीला को भूलना होगा। सूरी ये क्या बकवास है? अरे खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? फोन कॉल के रिकॉर्डिंग से सुना? नहीं सर। सुना तो कह रहे हो ना? मुझसे नहीं होगा सर। तुमसे नहीं होगा? नहीं सर। तो रहने दो, इससे ज्यादा शार्प नहीं हो सकता मैं। इतना सीन क्रिएट कर दिया दामू भाई, क्या सोचेंगे? शंकर आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ दामू भाई, मिनिस्टर नागराज को आपने मरवाया, ये न्यूज लीक ना हो इसलिए मैंने एसपी का फोन टैप करवाया, तो मुझे ये शॉकिंग न्यूज मिल गई। जरा सुनिए तो। मैं दामोदर के साथ घर बसाने वाली हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। दिस इज अ स्मॉल इश्यू। अरे मैं हूँ ना, डोंट वरी। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। दामू को पता ना चले ये मैनेज करना मेरा काम है, ट्रस्ट मी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो, 15 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा, 1 घंटे में तुम्हारा। अब तो ठंडक पड़ गई आपको? लेकिन भैया क्या खिलाल हो गई? एसपी तुम्हारे पास आया है, ये बात दामू को पता चल गई, वो वही आ रहा है। क्या करूं? मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं। नहीं प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अरे छोड़ दो। ये क्या हुआ? मेरी जिंदगी बर्बाद, मुझे जाने दो। सुशीला, सुशीला, एसपी, सुशीला, सुशीला दरवाजा खोलो। जानू क्या हुआ यहाँ? तुम टाइम पर आ गए इसलिए मैं बच गई, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ये क्या कर रहा था? कोई मेरी तरह दिखने वाली एक लड़की ने एक गंदी फिल्म में एक्टिंग की है, उन डीवीडी को लाकर तुम्हें दिखाऊंगा कहकर मुझे डराकर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने मना किया तो ये दामू, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ धोखा किया तूने। दामू ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई कांट डू दैट, मैं वो काम कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता मैं कह रहा हूँ ना। बताना क्यों? मैंने कहा ना नहीं कर सकता। क्यों बे? बिकॉज़ आई एम गे, बिकॉज़ आई एम गे, बिकॉज़ आई एम गे। हे कितनी बार मेरे सामने ही लड़कियों को गेस्ट हाउस में बुला चुका है तू? ओ दामू वो सिर्फ पब्लिसिटी है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रेट हूँ। सच में मदर स्वेयर आई एम अ गे, आई एम अ गे, आई एम अ गे। देखा ना इसे, तुम्हें देखकर कैसे नाटक कर रहा है, अभी शैतान की तरह मेरे पीछे पड़ा था और अब तो उसने पूरी स्टोरी चेंज कर दी। इस पे विश्वास मत करो दामू, मुझ पे भरोसा करो या ना करो लेकिन इस पे बिल्कुल मत करना, शी इज अ थर्ड ग्रेड लेडी। क्या कहा तूने? अपने लफ्ज वापस ले वरना तुझे मार डालूंगा। ओए तू मुझे क्या मारेगा, उससे पहले ही मैं ही तेरा एनकाउंटर करवा कर फिंकवा दूंगा। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? आप क्यों मार रहे हैं इन्हें? ये बेचारे वैसे ही अलग है। सूरी जी आप देख क्या रहे हैं? पकड़ो इन्हें, पकड़ो। अरे सर यहाँ आइए आप, इतना गुस्सा छोड़ो मुझे। एक लड़की के लिए भी नंबर पर दोस्त के थोड़ा मन करो। देखो तूने कैसे बात कर रखा मुझसे। ये देखा ना शंकर, मैंने अपनी जिंदगी का सुपर सीक्रेट बताया फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं किया, उस थर्ड ग्रेड लेडी की बातें मान रहा है। किसी का भला करने निकलो तो भी बुरा हो जाता है, जो गलती मैं चाहकर भी नहीं कर सकता उसका ब्लेम भी मुझ पर। लाइफ इज अनफेयर, पर अब चाहकर भी आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मैं उन्हें कन्विंस कर दूंगा, आप सूरी के गेस्ट हाउस पर रेस्ट कीजिए। शंकर मैं गया हूँ, ये बात डिपार्टमेंट में किसी को मैं नहीं बताऊंगा सर, आप जाइए। अब प्लीज चुप हो जाओ, राइट टाइम पे आके उस शैतान आदमी से तुम्हें बचा लिया ना, अब दामू भाई को कैसे बचाऊं? क्या कह रहे हो सूरी जी? मैं क्या कहूँ, वो एसपी कह गया कि वो दामू का एनकाउंटर करवा देगा। गुस्से में लोग 100 बातें कहते हैं लेकिन 10-20 तो कर ही देते ना, जो रेप कर सकता है वो एनकाउंटर नहीं कर सकता क्या? चुप कीजिए सूरी जी, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक है। नहीं होगा से मेरा मतलब ये था कि अदर लेडी अट्रैक्शंस बहुत डेंजरस होती हैं, मैक्सिमम मर्डर्स का रीजन लड़कियां होती हैं। रिसेंटली हुई एक क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ।
सुरेश और रमेश दो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। रमेश की भी आपकी तरह एक गर्लफ्रेंड थी। सुशीला मैडम की तरह वो लड़की भी बहुत सुशील थी, लेकिन बुरी नजर वाले सुरेश की आंखें उस कोहिनूर हीरे पर पड़ गईं। उसने धमकी दी कि मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जब लड़की ने बात नहीं मानी तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी वक्त रमेश ने एंट्री मारी। उन दोनों की सालों की दोस्ती और इंसानियत के नाते उसने सुरेश को जान से नहीं मारा, पर क्रूअल इंटेंशन वाला सुरेश एक क्रिमिनल बन गया। पीसफुली सोते हुए रमेश के उसने छोटे छोटे पीसेस कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ? फिर सुरेश ने जबरदस्ती की, अब उस लड़की को उसके साथ ही रहना पड़ता है। जरूरी नहीं कि इस केस में वही हो, लेकिन आजकल लोगों का क्या भरोसा। देखा ना सूरी भैया, कितना गलत हुआ आज। तामू और मेरे बीच कितनी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे। चल, हाथ छोड़ मेरा, चुप चाप खा। अब ये बात बाहर निकली तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सबको पता चल जाएगा कि मैं रोमांस किंग ने गे हूँ। इस समय अगर कोई अपना मुझे कंसोल कर देता तो अच्छा फील होता। चल तू रहा, मुझे भी अपने जैसा बनाएगा क्या? चुप रहो ना सूरी भैया, क्या बोल रहे हो, मैं कितनी परेशानी में हूँ। इस तरह कोई परेशान होता है क्या? लगता है बकासुर को बुफे मिल गया। टेंशन में जब होता हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ सूरी भैया, लेकिन एक बात सोचिए, उसने मुझे फोन करके बुलाया ही क्यों और ऐसे फंसाया ही क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? शायद कोई और इसके पीछे है। करेक्ट, पुलिस वाले हो ना, इसीलिए करेक्ट गेस किया। इस सब के पीछे मैं ही हूँ। कलेक्टर भरत मेरा भाई था। ह्यूमन राइट्स ऑफिसर के मर्डर की रिपोर्ट उसने तुझे और उस मिनिस्टर को दी थी, और मिनिस्टर का खेल दामू ने खत्म कर दिया। तेरा टाइम भी आ चुका है, तू ही मेरा अगला टारगेट है। तू मुझे मारेगा, ये बात अगर दामू को पता चली तो तू मरेगा। मेरा फोन कहाँ है? क्या सूरी जी जहर देकर मार दिया? मैंने नहीं मारा सर, उस दामू ने टिफिन भेजा तो मैंने उसके सामने रख दिया। भेजा उसने पर खिलाया तो तुमने था, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊं क्या? जरूरत नहीं है, एक ही काम तो ठीक से करते हो। थैंक्स यार।